नमस्कार। आज हम तवा आलू चटनी ब्रेड सैंडविच बनाएंगे। इसके लिए हमें ये सब्जियां कुछ ली हैं। इसमें टमाटर के स्लाइस काटे हैं और ये शिमला मिर्च, खीरा और ये प्याज। दो आलू उबले हुए लिए हैं। ये बटर है, मक्खन और ये टमाटो केचप, हरी चटनी, जीरा, नमक, हल्दी और पिसा धनिया। सबसे पहले हम आलू तैयार करेंगे। देखिए पैन हमारा गर्म हो गया है। इसमें हम एक चम्मच हमने घी डाला है और ये जीरा डालेंगे। देखिए भून लेंगे इसको, आंच धीमी रखेंगे। हल्दी पाउडर है, धनिया पाउडर डाला, हल्दी पाउडर डाला और अब हम इसमें ये आलू डाल देंगे। इसको हम अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे। इसको चला करके अच्छी तरह से सभी मसाले मिल जाएं। देखिए इस तरह से हमको करना है इसको। देखिए इस तरह से आपको कर लेना है और अब हम इसमें चटनी डालेंगे। एक चम्मच हमने चटनी डाल दी है और अब हम इसको अच्छे तरह मिला लेंगे। और इसमें हम नमक नहीं डालेंगे क्योंकि हमारी चटनी में नमक है, इसलिए हम इसमें नमक नहीं डालेंगे। इसी तरह अच्छे तरह से भून लिया हमने इसको। दो मिनट इसको भूनेंगे। देखिए 4 पीस मैंने ब्रेड के स्लाइस लिए हैं। इसमें सबसे पहले हम मक्खन लगाएंगे इस तरह से, इसमें लगा लेंगे। ये देखिए मैंने बटर लगा लिया है इस पर और हम इस पर लगाएंगे ये प्याज को। इस तरह से इसमें प्याज लगा लेना है। और अब हम लगाएंगे शिमला मिर्च। ये देखिए इस तरह से हमने इसमें ये शिमला मिर्च लगा ली। और अब हम लगाएंगे टमाटर इस तरह से। देखिए टमाटर लगा लिए और इस पर हम ये मक्खन लगाएंगे पहले। मक्खन जरूर लगाएं, नहीं तो ये बिल्कुल ड्राई ड्राई हो जाएंगे, इसलिए इस पे मक्खन लगाना बहुत ज़रूरी है। इस पे हमने ये मक्खन लगा लिया। और हम इसमें थोड़ा सा ये केचप लगा देंगे, ज़्यादा नहीं लगाना है, थोड़ा ही लगाना है। देखिए इस तरह से और इसके ऊपर हम थोड़ा नमक डाल देंगे। और अब हम इसमें लगाएंगे खीरे इस तरह से, मतलब पतले पतले स्लाइस काटे हैं और बिल्कुल पतले पतले ही काटने हैं हमको। ये देखिए मैंने खीरे लगाकर तैयार कर लिए और ये आलू हमने तैयार किए थे उसको हम निकाल के इसको इस तरह से लेंगे और इसको पतला पतला हम इसके ऊपर सेट करेंगे इस तरह से। देखिए एक टिक्की बना करके एक तरह से, और इसको हम इसके ऊपर इस तरह से लगा देंगे। देखिए इस तरह से, और हम इसको दबा देंगे
इस तरह से हमको दोनों पे लगा लेना है। हमने आलू लगा कर तैयार कर लिए, और हम इसको धीमे से उठाएंगे और इसके ऊपर इसको दबा देंगे, और इस तरह से हमको इसके ऊपर लगा देना है, और इसको हम धीमे से दबा देंगे। इस तरह से हमको लगाना है, इस तरह से हम दबा देंगे, इसी तरह से हम ये करेंगे। तवा हमारा गर्म हो गया है, इसमें हम थोड़ा सा घी डालेंगे और ये मक्खन डाल देंगे। इस तरह से और इस तरह से हम ये सिकने के लिए इस पर रख देंगे और इसको हम दबा देंगे थोड़ा सा। रख दिया, अब हम इसे ढक देंगे और बिल्कुल लो फ्लेम कर देंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पर ही हमको सेकना है, और एक मिनट हम लगातार एक मिनट सेकेंगे, एक से डेढ़ मिनट तक हमको इसको सेकना है, फिर हम चेक करेंगे। एक मिनट डेढ़ मिनट हो गया है, हम इसको इस तरह से धीमे से पलट देंगे। देखिए हमारा कितना अच्छा सिक के तैयार हुआ है, और इसको बंद कर देंगे, और एक डेढ़ मिनट के बाद इसको हम गैस बंद कर देंगे। देखिए डेढ़ मिनट हो गया है और ये हमारा सिक्के तैयार हो गया, हम गैस बंद कर देंगे। देखिए हमारे सिक्के तैयार हो गए हैं और हम इनको सर्व करेंगे। ये मैंने काट के तैयार कर लिए, अब हम इनको सर्व करेंगे इस तरह से। देखिए हमारे कितने बढ़िया बनकर के तैयार हुए हैं। आप भी बनाइए और कमेंट करिए कि आपको कैसे लगे। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब अवश्य करिए। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। नमस्कार।